हेलो स्टूडेंट्स, अपन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ पढ़ रहे थे। इसके तीन पार्ट अपन पढ़ चुके हैं। हाँ, आज चौथी वीडियो अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो तीन पार्ट जो पढ़ा था उसमें जो तीसरा पार्ट था जो अपन ने कल पढ़ा वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, और आज का जो वीडियो है वो इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट यानी कि वीडियो रहने वाला है। इसके अंदर दो पैराग्राफ अपन पढ़ेंगे और दोनों पैराग्राफ में सात सात नंबर के दो क्वेश्चन बनते हैं। तो चलो देखते हैं अपन कि किस तरह से यानी कि कौन से क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पहले यानी कि जो क्वेश्चन इसके अंदर बनेगा, जो पहला पैराग्राफ अपन पढ़ने वाले हैं, इसमें क्वेश्चन निकलेगा कि व्हाट डू यू नो, आप क्या जानते हो अबाउट किसके बारे में, स्टूडेंट्स ऑन आइस, कि स्टूडेंट किसके ऊपर, आइस के ऊपर, ये क्या था, एक प्रोग्राम था, आप इसके बारे में क्या जानते हो। तो अपन जब समरी पढ़ रहे थे तो इसकी स्टूडेंट्स ऑन आइस की चर्चा कर रहे थे कि तिसानी दोषी जो कि कहाँ जाती है, अंटार्कटिका जाती है, और वह एक प्रोग्राम का हिस्सा बनती है, और प्रोग्राम जिसके अंदर 52 स्टूडेंट्स थे, और ये प्रोग्राम किसके द्वारा चलाया गया था, कैनेडियन जॉफ ग्रीन के द्वारा यानी कि चलाया गया था। तो ये जो स्टूडेंट्स ऑन आइस जो प्रोग्राम था इसमें हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को ले जाया गया, बाउंड स्टूडेंट्स को ले जाया गया। उन स्टूडेंट्स को ले जाने का क्या मकसद था, क्या एम था, वो इस पैराग्राफ में अपने पढ़ेंगे। चलो देखते हैं कि स्टूडेंट्स ऑन आइस कि विद्यार्थी किसके ऊपर, बर्फ पे। यहाँ पे बर्फ का मतलब विद्यार्थी अंटार्कटिका पे, मतलब विद्यार्थियों को अंटार्कटिका ले जाएगा। तो स्टूडेंट्स ऑन आइस, विद्यार्थी बर्फ पे, ये जो प्रोग्राम था जिसमें आई वॉज वर्किंग, मैं वर्क कर रही थी विद ऑन सोकल्स की, मतलब मैं मेरी जहाज पे बैठी यानी कि काम कर रही थी, मतलब अंटार्कटिका जाने का मैं जो मेरा मकसद था उसको पूरा करने की यानी कि मैं कोशिश कर रही थी। एम्स टू डू, और इसमें एम क्या था, टू डू एग्जैक्टली दिस वाई, ये जो प्रोग्राम था उसमें टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स यानी कि हाई स्कूल के स्टूडेंट को ले जाने का क्या एम था, कहाँ, टू द एंड्स, टू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड यानी वर्ल्ड के आखिरी छोर अंटार्कटिका में। क्वेश्चन ये निकलता है, दो नंबर का क्वेश्चन ये आ सकता है कि जॉफ ग्रीन जो हाई स्कूल के स्टूडेंट को कहाँ ले गया, टू द एंड ऑफ द अर्थ ले गया, अंटार्कटिका ले गया, उसका व्हाट वाज द एम, उसका एम क्या था, उसका उद्देश्य क्या था, मकसद क्या था। अब इंपॉर्टेंट लाइन देखिए, उसका मकसद क्या था, वह ये है कि उसे प्रोवाइड करना, प्रोवाइडिंग देम, उनको प्रोवाइड करना विद अंपायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। तो यहां पे देखिए आपकी जो बुक है उसमें स्पेलिंग थोड़ी गलत लिखी हुई है, अंपायरिंग लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अंपायरिंग की जगह आपको इंस्पायरिंग पढ़ना है। कहने का मतलब क्या है कि स्टूडेंट को इसलिए ले जाया गया ताकि उसे प्रोवाइड किया जाए, प्रोवाइडिंग देम, उनको क्या प्रोवाइड किया जाए, इंस्पायरिंग। अंपायरिंग की जगह क्या पढ़ोगे, इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। तो पहला जो उद्देश्य था स्टूडेंट्स ऑन जो आइस जो प्रोग्राम था उसमें स्टूडेंट को ले जाने का, पहला उद्देश्य क्या था कि प्रोवाइडिंग देम या गिविंग देम, उसे क्या गिव करना, इंस्पायरिंग, इंस्पायर करने वाली, प्रेरित करने वाली एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी देना, शैक्षणिक अवसर देना। और ये इंस्पायरिंग जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी है ये क्या करेगी, विच, जो कि क्या करेगी, विच विल हेल्प देम, जो कि उसकी हेल्प करेगी, विच विल हेल्प देम, ये जो इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी है ये उन स्टूडेंट्स को हेल्प करेगी, फोस्टर, फोस्टर मीन्स विकसित करने में, क्या विकसित करने में, ए न्यू अंडरस्टैंडिंग, एक नई समझ विकसित करने में यानी कि क्या करेगी, हेल्प करेगी। एंड रिस्पेक्ट, और रिस्पेक्ट करना सिखाएगी, ये किसका रिस्पेक्ट, फॉर अवर प्लानेट, हमारा जो ग्रह है पृथ्वी है इसका यानी कि रिस्पेक्ट करना सिखाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, इसका एम क्या था, स्टूडेंट्स ऑन आइस का इंपॉर्टेंट पर्सन है, स्टूडेंट ले जाने का मुख्य उद्देश्य क्या था कि क्या करना, प्रोवाइडिंग देम, उसे क्या प्रोवाइड करना, इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, कि एक इंस्पायर करने वाली शैक्षणिक अवसर देना, और ये शैक्षणिक अवसर क्या करेगा, विच विल हेल्प देम, जो कि उनकी हेल्प करेगा, उनकी किनकी, स्टूडेंट्स की, कैसे हेल्प करेगा, फोस्टर मींस विकसित करने में, एन क्या, न्यू अंडरस्टैंडिंग, एक नई समझ, और रिस्पेक्ट फॉर अवर प्लैनेट अर्थ, और हमारे अर्थ के प्रति। कहने का मतलब आप अंटार्कटिका जाओगे तो वह आपको क्या देगा, आपको एक नई समझ देगा, वह आपको क्या करना सिखाएगा, हमारा जो अर्थ है जो कि यानी बदसूरत हो चुकी है उसको यानी सुधारने के लिए यानी कि ये क्या करेगा, हमें शिक्षा देगा। क्योंकि अंटार्कटिका देखोगे वहां पे एकदम साफ दिखेगा, वो आपको बहुत यानी कि अच्छा लगेगा, तो आप भी चाहोगे कि काश हम भी क्या करें यानी कि उस अंटार्कटिका की तरह यानी हमारी पृथ्वी ग्रह को भी क्या रखे, एकदम साफ सुथरा रखे। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। और इट हैज बीन इन ऑपरेशन, और ये ऑपरेशन चला फॉर 6 ईयर्स, कितने सालों तक, 6 वर्षों तक। और नाउ, और ये जो है हेडेड,
हेडेड मीन संचालन करना, ये जो दिस प्रोग्राम था स्टूडेंट्स ऑन आइस वाज हेडेड, ये संचालन किया गया बाय किसके द्वारा संचालन किया गया, कैनेडियन कनाडा के जो ग्रीन के द्वारा इसका संचालन किया गया, मतलब स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम वाज हेडेड संचालन किया गया बाइक किसके द्वारा, कैनेडियन जोफ ग्रीन के द्वारा, और कैनेडियन जोफ ग्रीन वो गोट टाइड जो कि टाइड हो चुका था, थक चुका था ऑफ कार्टिंग, कार्टिंग मतलब ले जा करके, किसको ले जा करके थक चुका था, सेलिब्रिटीज प्रसिद्ध लोगों को ले जा करके यानी थक चुका था, और साथ में किसको, सेलिब्रिटी को यानी ले जा करके यानी कि वह थक चुका था, और साथ में एंड रिटायर्ड, और रिटायर्ड जो रिटायर सेवानिवृत्त हुए रिच व्यक्ति को ले जाकर गया यानी कि थक चुका था, क्यूरियोसिटी सीकर्स जिज्ञासु जो व्यक्ति थे उनको ले जाकर के थक चुका था, उनको ले जाकर के थक इसलिए चुका था क्यों, कहने का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति था ये कैनेडियन जोफ ग्रीन ये किस किस को ले जाता था, पहले पहले वह ले जाता था सेलिब्रिटी को, और रिच यानी कि जो रिटायर हुए व्यक्ति सेवानिवृत्त हुए व्यक्ति जो धनवान व्यक्ति थे उसको अंटार्कटिका यानी ले जाता था, और साथ में यानी कि जो क्यूरियसिटी वाले जो व्यक्ति थे यानी जिज्ञासा वाले व्यक्ति थे उनको यानी रिटायर्ड व्यक्तियों को ले जाता था, उनको ले जाकर के यानी थक गया, क्यों थक गया उनको ले जाकर के, क्योंकि वह उन लोगों को इन प्रसिद्ध व्यक्तियों को सेलिब्रिटी को जिस मकसद से ले जाता था अंटार्कटिका में वो उसका मकसद पूरा नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो कुड एनी गिव बैक यानी उनमें से कोई भी गिव बैक नहीं देता था, मतलब इन ए लिमिटेड वे में भी, कहने का मतलब क्या है कि ये बड़े बड़े लोगों को ले जाता था स्टूडेंट्स ऑन आई ये सॉरी यानी अंटार्कटिका, लेकिन ये जितने सेलिब्रिटी को ले गया या जो रिच व्यक्ति को ले गया वो गिव बैक यानी कि बहुत ही लिमिट में देते थे, मतलब जितना उससे चाहिए था कि अर्थ पे आके काम करे इतना वो काम नहीं कर सकते थे, इसलिए अब की बार वो किसको लेके गया, अब की बार स्टूडेंट्स को यानी लेके गया, टीनेजर्स को यानी किशोर को यानी कि लेकर के गया, और अब की बार क्या है विद स्टूडेंट्स ऑन आइस स्टूडेंट किस पे, बर्फ पे, ही ऑफर्स उसने ऑफर किया, इसने ऑफर किया द फ्यूचर जेनरेशन को, स्टूडेंट क्या है फ्यूचर जेनरेशन है, अपनी भावी पीढ़ी है जो कि क्या है पॉलिसी मेकर है, यानी कि फ्यूचर जेनरेशन की पॉलिसी मेकर मतलब नीति निर्धारण करने वाले, अब की बार उसको यानी कि ऑफर दिया जो, और साथ में उसने क्या दिया कैनेडियन जॉब ग्रीफ ने स्टूडेंट को लाइफ चेंजिंग जीवन बदल देने वाला एक्सपीरियंस दिया, उसे क्या दिया गया जीवन बदल देने वाला स्टूडेंट को अनुभव दिया, और एट एन एज उस एज में When they are ready, उस अवस्था में जब स्टूडेंट तैयार रहते हैं टू अब्सोर्ब यानी वहां जो सीखा उसको अब्सोर्ब करने में, ग्रहण करने में और लर्न सीखने में, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली और सबसे ज्यादा एक्ट उस चीज को यहाँ पृथ्वी पे आकर करने में, कहने का मतलब यहाँ पे ये स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम हुआ, तो स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम वाज हेडेड इसका संचालन किया गया किसके द्वारा, कैनेडियन जोफ ग्रीन व्यक्ति के द्वारा, और वह क्या करता है वह स्टूडेंट को यानी कि इसलिए वहां यानी कि ले गया उस प्रोग्राम में क्योंकि स्टूडेंट्स क्या है वो फ्यूचर जेनरेशन के यानी कि पॉलिसी मेकर है, फ्यूचर जेनरेशन की क्या है पॉलिसी मेकर है, और उसे यानी स्टूडेंट पे यानी विश्वास था कि जो वे यानी कि अंटार्कटिका में सीखेंगे वो सारे के सारे एक्ट कहाँ पे करेंगे, पृथ्वी पे करेंगे, और कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट को यानी कि क्या प्रोवाइड करना, इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी यानी कि देना, और ताकि वो वहां जो भी अंटार्कटिका में यानी लेसन ले वो पृथ्वी पे आकर के एक्ट कर सके, और इससे पहले वो ये जो कैनेडियन जॉब ग्रीन है वो किसको ले जाता था, सेलिब्रिटी को ले जाता था, जो रिच व्यक्ति थे उनको ले जाता था, उनको ले जाकर के वो क्यों थक गया, क्योंकि वह जिस उद्देश्य से उनको ले जाता था वह उद्देश्य ये उनका पूरा नहीं करते, अब की बार वह स्टूडेंट को ले गया, वह टीनेजर्स है जो कि यानी पॉलिसी मेकर है, और वे क्या करते हैं यानी जो अंटार्कटिका में उन्होंने जो सीखा जो देखा कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हमारी जो अर्थ है वो यानी कि बहुत खराब पड़ी है, साफ सफाई नहीं है, तो वो सारी चीज कहाँ आकर के यानी कि करेंगे, वो प्रैक्टिकली यानी अर्थ पे यानी कि काम में लग जाएंगे, तो इस तरह से ये स्टूडेंट्स ऑन आइस का एक प्रोग्राम ये हुआ। अब ये स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम सफल क्यों हुआ, सफल होने का मतलब यही है कि कैनेडियन जॉब ग्रीन ने क्या दिया स्टूडेंट्स को, लाइफ चेंजिंग यानी कि एक्सपीरियंस दिया,
यानी उसने क्या दिया, जीवन बदल देने वाला, यानी कि अनुभव दिया, जिसके कारण ये प्रोग्राम क्या हुआ, स्टूडेंट्स ऑन आइस है वो सफल रहा। अब आगे पढ़ते हैं, द रीजन, कारण, द प्रोग्राम हैज बीन सो सक्सेसफुल, कि ये प्रोग्राम जो बहुत ज्यादा सफल हुआ, इसका मुख्य कारण क्या है, इज बिकॉज, ये इसका यानी कि बिकॉज क्या है, इट इज इम्पॉसिबल, ये असंभव है, टू गो एनी वेयर, कि आप कहीं पर भी जाओ, नियर द साउथ पोल, साउथ पोल मतलब दक्षिण यानी ध्रुव पे, यानी कि क्या है, ये इसलिए सफल हुआ, इसलिए कि यानी कि ये असंभव है कि आप कहीं पर भी जाओ, किसके नजदीक, यानी साउथ पोल के नजदीक जाओ, दक्षिणी ध्रुव है यहां पे क्या है, अंटार्कटिका, एंड और साथ ही में क्या है, नॉट बी अफेक्टेड, कि आप उससे प्रभावित न हो बाय इट, ये इम्पॉसिबल है। कहने का मतलब क्या है, वो ये बताना चाहता है कि इसका सफल होने का मेन कारण यही है कि आप कोई भी यानी कि क्या है, दक्षिणी ध्रुव पे जाओ, अंटार्कटिका पे जाओ, और वहां अंटार्कटिका के ऊपर जाके यानी कि प्रभावित नहीं होते हो, तो कहने का मतलब ये हो ही नहीं सकता। तो कहने का मतलब मैंने स्टूडेंट को अंटार्कटिका पे यानी मैं ले गया, वहां पे ग्लेशियर पिघलते हुए उन्होंने देखे, और जिसके कारण क्या उनका हृदय पिघला और वह पृथ्वी को यानी सुधारने में, पृथ्वी को बचाने में लग गए। और आगे देखिए, इट इज इजी, ये आसान है, टू बी ब्लेस, ब्लेस मीन्स उदासीन होना, इट इज इजी, ये आसान है, टू बी ब्लेस यानी उदासीन होना, इंडिफरेंट होना यानी आसान है, अबाउट किसके बारे में, ये जो पोलर है किसके बारे में, पोलर आइस, ये जो आइस पोलर है, हिमखंड है, यानी कि इस ये जो बर्फ वाला ध्रुव है, इसके बारे में उदासीन होना आसान है, कहाँ यानी कि जो कि मेल्टिंग यानी पिघल रही है, वाइल जबकि सिटिंग बैठ करके ऑन द कंफर्ट जोन, यानी कंफर्ट जोन में, कहने का मतलब हम कहाँ बैठे हैं, कंफर्ट जोन में बैठे हैं, कंफर्ट इलाके में बैठे हैं, यहां घर बैठे बैठे उस यानी कि आइस यानी कि जो पोलर है मतलब जो दक्षिणी ध्रुव है उसके बारे में सोचकर क्या है यानी कि परेशान होना, उदासीन होना यानी कि आसान बात है। कहने का मतलब हम यहां बैठे क्या हो सकते हैं, उदासीन हो सकते हैं, यानी कि आसान बात है कि देखो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उधर क्या हो रहा है, अंटार्कटिका में बर्फ है वो पिघल रही है, तो यहां बैठे रहकर कि ये करना यानी कि आसान हो सकता है, लेकिन क्या बताया गया है, कहां पे, हमारे रिस्पेक्टिव लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, यानी हमारी जो अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा है, ये क्या है अपना यानी कि कंफर्ट जोन है, इस अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा पर बैठ करके क्या होना यानी कि उदासीन होना उस दक्षिणी ध्रुव के बारे में, यानी कि क्या है आसान बात है, लेकिन बट वेन, लेकिन जब यू कैन विजिबली सी, जब आप अपनी आंखों से देखोगे, जब आप क्या करोगे अपनी आंखों से देखोगे कि ग्लेशियर जो है वो रिट्रीट हो रहे हैं, धस रहे हैं, कि आप वहां अंटार्कटिका जाओगे और अपनी आंखों से देखोगे कि वहां के ग्लेशियर क्या हो रहे हैं, धस रहे हैं, और यू बिगिन टू रियलाइज, आप रियलाइज करने लग जाओगे, आप महसूस करने लग जाओगे कि थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग है वो क्या है, इज ए रियल, कि ग्लोबल वार्मिंग की क्या जो खतरा है वो रियल है, मतलब यहां बैठे आप अंदाजा नहीं लगा पाओगे कि ग्लोबल वार्मिंग का खतरा क्या है, रियल है, और अपन अंदाजा कब लगाएंगे, जब अंटार्कटिका जाएंगे उसकी यानी आइस मेल्टिंग को देखेंगे, बर्फ पिघल रही है, तब अपन अनुमान लगाएंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, रियल है। अब अपन इसका दूसरा पार्ट ही पढ़ते हैं, आइस प्रोग्राम के बारे में, स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम के बारे में अपन ने जो पढ़ा, बड़ा प्रश्न है कि उसका उद्देश्य क्या था और वह सफल क्यों हुआ। अब अगला जो पार्ट है वो पढ़ेंगे, अगला पार्ट है फाइटोप्लैंकटन के बारे में। तो अब देखिए कि अंटार्कटिका जो है वो बिकॉज ऑफ हर सिंपल इकोसिस्टम, दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं इस दूसरा पैराग्राफ, कि अंटार्कटिका बिकॉज ऑफ हर सिंपल इकोसिस्टम, कि अंटार्कटिका अपने सिंपल साधारण इकोसिस्टम के कारण, अपने सिंपल पारिस्थितिक तंत्र के कारण, और लेक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता, और जैव विविधता की लेक कमी के कारण इज द परफेक्ट प्लेस, सबसे परफेक्ट स्थान है टू स्टडी, उसका अध्ययन करने के लिए, कि हाउ लिटिल चेंज, कि कैसे थोड़ा सा परिवर्तन कर होने से इन द एनवायरमेंट, पर्यावरण में, कैन हैव ए बिग रिपिक्शंस, रिपिक्शन माने प्रतिक्रिया, कि कैसे एक बड़ी प्रतिक्रिया यानी कि दे सकता है। तो क्या है कि अंटार्कटिका अपने सिंपल इकोसिस्टम और लेक ऑफ बायोडाइवर्सिटी के कारण सबसे परफेक्ट स्थान है
ये स्टडी करने के लिए कि कैसे पर्यावरण में थोड़ा सा यानी कि चेंज करने से क्या देता है, वो एक बड़ा डिपिक्शन देता है, एक बड़ी प्रतिक्रिया देता है, बिकॉज ऑफ किसके कारण, यानी उसके लेको बायोडायवर्सिटी के कारण और सिंपली इकोसिस्टम के कारण। अब देखिए यहां से अब आगे इंपोर्टेंट पर्सन बनेगा कि टेक लीजिए द माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक मीन्स अति सूक्ष्म, आप किसको ले लीजिए, आप अति सूक्ष्म फाइटोप्लैंक्टन को ले लीजिए, प्रश्न ये निकलता है व्हाट इज फाइटोप्लैंक्टन। तो ये अगला पार्ट देखिए कि आप किसको ले लीजिए, एक अति सूक्ष्म फाइटोप्लैंक्टन को ले लीजिए। अब फाइटो व्हाट इज फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन क्या है, तो अब देखिए फाइटोप्लैंक्टन क्या है, दोज ग्रासेस ऑफ द सी, फाइटोप्लैंक्टन क्या है, फाइटोप्लैंक्टन क्या है, इज द ग्रासेस ऑफ द सी, समुद्री घास का नाम है, फाइटोप्लैंक्टन इज द ग्रासेस ऑफ द सी, समुद्री घास का नेम है। और ये क्या काम करता है फाइटोप्लैंक्टन, डेट न्यूरिश, न्यूरिश माने पोषण करता है, ये जो फाइटोप्लैंक्टन जो कि क्या है, इज द ग्रासेस ऑफ सी, समुद्री घास का नेम है, जो कि पोषण करता है एंड सस्टेन बनाए रखता है, किसको बनाए रखता है, द इंटायर पूरी की पूरी साउदर्न दक्षिणी जो ओशियन महासागरीय जो फूड चेन है, खाद्य जो श्रृंखला है उसको यानी कि बनाए रखता है। तो इतना एक पर्सन यानी कि हो गया, व्हाट इज फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन क्या है, तो आप क्या लिखोगे, फाइटोप्लैंक्टन क्या है, इज द नेम ऑफ ए सीज ग्रासेस, यानी समुद्र यानी कि घास का नेम है, डेट न्यूरिस जो कि फाइटोप्लैंक्टन क्या करता है, पोषण करता है और सस्टेन बनाए रखता है, किसको यानी कि बनाए रखता है, साउदर्न इंटायर पूरी की पूरी जो दक्षिणी यानी महासागरीय खाद्य श्रृंखला है, फूड चेन है, उसको बनाए रखता है। मतलब जितना भी यानी कि क्या है, दक्षिणी मेरीन लाइफ है, समुद्री जीवन है, वो किस पे डिपेंड है, फाइटोप्लैंक्टन समुद्री घास के ऊपर डिपेंड है। और दी सिंगल सेल्ड प्लांट, और ये फाइटोप्लैंक्टन क्या है, ये सिंगल सेल मीन्स एक कोशिकीय प्लांट है, फाइटोप्लैंक्टन क्या है, ये एक कोशिकीय क्या है, सिंगल सेल प्लांट है, एक कोशिकीय पौधा है जो कि यूज करता है, किसका यूज करता है, ये एक कोशिकीय पौधा यूज द सन से एनर्जी, ये फाइटोप्लैंक्टन किसका उपयोग करता है, सूर्य की ऊर्जा का यूज करता है, सूर्य की ऊर्जा का यूज करता है टू एसिमिलेट, एसिमिलेट माने पचाने के लिए, सूर्य की ऊर्जा का ये फाइटोप्लैंक्टन क्यों यूज करता है, एसिमिलेट किसको पचाने के लिए, कार्बन पचाने के लिए, और कार्बन को पचा करके, और ये क्या करता है फाइटोप्लैंक्टन, सिंथेसाइज, सिंथेसाइज मीन्स निर्माण करना, और ये सिंथेसाइज करता है, निर्माण करता है, किसका निर्माण करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कार्बनिक यौगिक का निर्माण करता है। और इन दैट वंडरस, और ये जो आश्चर्यजनक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस है, इसको क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। फोटोसिंथेसिस क्या हो गया, प्रकाश संश्लेषण। मतलब इसमें दो क्वेश्चन यानी कि निकल गए, पहला तो फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन क्या है, समुद्री घास का नेम है, जो कि किस लिए यानी कि उपयोगी है, जो कि डेट न्यूरिस पोषण करती है, किसका, इंटायर यानी कि साउदर्न यानी कि जो ओशियन फूड चेन है उसका न्यूरिश करती है। और ये जो फाइटोप्लैंक्टन है ये क्या है, सिंगल सेल्ड प्लांट है, एक कोशिकीय यानी कि पौधा है, जो कि क्या करता है, ये यूज करता है, किसका उपयोग करता है, सन से एनर्जी, सूर्य की यानी कि ऊर्जा का उपयोग करता है, किस लिए ऊर्जा का उपयोग करता है, एसिमिलेट पचाने के लिए, कार्बन पचाने के लिए, और किसका निर्माण करता है, ये और कार्बनिक और कंपाउंड का यानी कि ये क्या करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज करता है, निर्माण करता है। और ये जो वंडरस जो प्रोसेस है, इसी को क्या बोला गया है, फोटोसिंथेसिस कहा गया है, प्रकाश संश्लेषण कहा गया है। तो दो क्वेश्चन बन गए, एक तो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस और एक व्हाट इज फाइटोप्लैंक्टन, तो ये दोनों यानी इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखना। अब आगे देखिए, साइंटिस्ट वॉर्न देन, और वैज्ञानिक है वो चेतावनी देते हैं, ए फर्दर आगे से डिप्लेशन माने क्षरण होना, ह्रास होना, क्षरण होना इन द ओजोन लेयर, कि अगर इसी तरह से ओजोन परत का यानी कि क्षरण हुआ तो क्या होगा, विल अफेक्ट, ये प्रभाव डालेगी किसके ऊपर, एक्टिविटीज ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, किसकी एक्टिविटी पे प्रभाव डालेगी, ये फाइटोप्लैंक्टन की यानी एक्टिविटी पे प्रभाव डालेगी। और फाइटोप्लैंक्टन जो कि क्या है, विच इन द टर्न विल अफेक्ट द, और जिसके कारण ये किसके ऊपर प्रभाव डालेगी, द लिव जो, किसके जीवन पे, ऑल द मेरिन एनिमल्स, जितने भी जो समुद्री जो जानवर है उनको यानी कि प्रभावित करेगी, और बर्ड्स को प्रभावित करेगी, ऑफ द रीजन उस क्षेत्र के, और
ग्लोबल कार्बन साइकिल को भी ये क्या करेगी, प्रभावित करेगी। कहने का मतलब क्या है, फाइटोप्लैंकटन है वो बहुत ज्यादा यानी कि जरूरी है किसके लिए, यानी कि जो साउदर्न जो ओशियन फूड चेन है उसको बनाए रखने के लिए। और वह पॉइंट यहाँ पे वैज्ञानिक क्या बताते हैं कि अगर इसी तरह से यानी डिप्लेशन हुआ ओजोन लेयर्स का, तो ये फाइटोप्लैंकटन की एक्टिविटी को प्रभावित करेगी। फाइटोप्लैंकटन जो कि अपन पढ़ चुके हैं किसके लिए जरूरी है, यानी कि ये जो मेरीन लाइफ जो है, समुद्री यानी जो जीवन है, यानी कि जो जानवर है एनिमल्स है, उनको यानी कि बनाए रखने के लिए क्या है, फाइटोप्लैंकटन जरूरी है। अगर फाइटोप्लैंकटन यानी कि नुकसान हुआ, तो मतलब जितने भी समुद्री यानी जो जानवर बर्ड्स है वो प्रभावित हो गए, अपना जो कार्बन साइकिल है वो प्रभावित होगा। इसलिए फाइटोप्लैंकटन यानी कि बनाए रखना क्या है, जरूरी है। और इन द पैराबल और इस दृष्टांत में ऑफ द फाइटोप्लैंकटन देयर इज ग्रेट मेटाफर ऑफ एग्जिस्टेंस। कहने का मतलब क्या है कि अगर फाइटोप्लैंकटन होगा, फाइटोप्लैंकटन को अगर अपन बचाने में कामयाब होते हैं, तो हमारा यहाँ रहना या उन जानवरों का यानी कि रहना यानी कि बहुत ज्यादा यानी चांस बन जाता है। तो यहाँ पे लेखिका क्या कहती है, टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स। आप क्या कीजिए, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिए, कि छोटी चीजों का ध्यान रखिए, एंड बिग थिंग्स बड़ी चीजें हैं वो विल फॉल इनटू प्लेस, अपने आप स्थान पे आ जाएगी। कहने का मतलब अपन ये सोचते हैं कि यानी कि मैं अकेला यानी इस पृथ्वी को कैसे बचा सकता हूं, ये अपन यानी कि सोच लेते हैं, और अपन यानी कि कोई भी पृथ्वी को बचाने में अपना रोल नहीं निभाते हैं। तो लेखिका क्या कहती है कि आप एक छोटा सा यानी कि काम कर दीजिए, यानी कि बड़ा काम अपने आप हो जाएगा। मतलब आप अपनी जगह पे यानी पृथ्वी को यानी कि बचाने में मदद कीजिए, और बाकी अपने आप यानी कि हो जाएगा, आपको देख करके दूसरे लोग भी यानी कि करेंगे। तो इस तरह से अपन ने स्टूडेंट्स ऑन आइस के बारे में पढ़ा, प्रोग्राम के बारे में, फाइटोप्लैंकटन क्या है, फोटोसिंथेसिस क्या है, और फाइटोप्लैंकटन है वो इंटायर साउदर्न ओशियन फूड चेन के लिए यानी कि क्यों इंपॉर्टेंट है, ये अपन ने पढ़ा। दोनों पैराग्राफ है, सात सात नंबर के आने की संभावना है, तो इसलिए इसको अच्छी तरह से स्टडी की जाए। थैंक यू।